इसका जो फोट है मैं उसके ऊपर आज बात करना चाहता हूँ कि इस इसके जो असरात सारे पुराना कबायली इलाका और उसके बाद पखतूनख्वा के अंदर जो असरा जा रहे हैं मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ हमें यह पता चल गया है कि ये जो हमला हुआ था ये जो बम धमाका दहशत गर्दी जो हुई थी ये आइसल ने की थी जो डैश जैसे कहते हैं ये टी टी पी ने नहीं की थी और इसके ऊपर चंद दिन पहले अमेरिका का सदर जो बाइडेन ने कहा कि जो सबसे बेहतरीन तरीके से आईसल का मुकाबला कर रहे हैं वो है तालिबान गवर्नमेंट यानी वो प्रेसिडेंट जो इनका मुखालिफ है अफगानिस्तान के हुकूमत का उसने अमेरिका में बयान दिया है कि जो इस वक्त जो दहशतगर्द ग्रुप है आईसल इसका जो सही माने में इस वक्त जो उसको खत्म कर रहे हैं वो है तालिबान गवर्नमेंट अब मैं ये इसलिए आपके सामने कह रहा हूं कि मैंने आज एक बयान पढ़ा है जिससे मुझे खौफ भी है और मुझे हैरत है कि हमारे मुल्क में किस तरह के लोग ऊपर ला के हमारे मुसलत किए गए हैं जनरल बाजवा ने क्योंकि अब तो वाजह हो गया ना फिर से मैं याद करा दू कि जो ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया है वो तो वाज हो गया ना कि ये पूरी साजिश कर रहा था जनरल बाजवा आते साथ ही पहले हमें सीटें पूरी नहीं लेने दी ताकि हम बिल्कुल एक कमज़ोर कोलेशन गवर्नमेंट बने और उसके बाद आते साथ ही हमारे गिराने के प्लान बन गए थे तो उसने इन्हीं को लेके आया ये जो अब आप, आपके सामने हुकूमत बैठी हुई है जिसने पाकिस्तान का माशी कत्ल कर दिया है अवाम से आज पूछें तनख्वाहदार लोगों से पूछें कि अभी ये न्याई अभी जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई हैं सवाल इनसे पूछे कि हमारे दौर में तो तेल इंटरनेशनल मार्केट में 110 डॉलर डौ बैरल पे पहुंच गया था और अब वो 80 डॉलर या उससे कम है तो हम 150 रुपए लीटर पे दे रहे थे तो आज ये हर वक्त जो कीमतें बढ़ती जा रही हैं 270 पे पहुंच गई हैं क्या वजह है इसकी तो ये तो बात है क्योंकि महंगाई इस वक्त लोगों को खास तौर पर बिजली के बिल ये अब आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गए हैं लेकिन और इसका जिम्मेदार वो आदमी है जिसने साजिश करके एक गवर्नमेंट को गिराया और अपने जतीी मफादा के लिए एक्सटेंशन के लिए इन लोगों को ऊपर लेके आया जो तीस साल से इस मुल्क को भी लूट रहे थे और उन्होंने इस मुल्क को उधर पहुँचाया कि बंग्लादेश भी आगे निकल गया हिंदुस्तान इनके दौर में आगे निकला उसके बाद बांग्लादेश भी पाकिस्तान से आगे निकल गया तो मैं बजौड़ पे फिर आता हूं सवाल यह आज जो बिलावल की स्टेटमेंट आई है कि हम अफगानिस्तान के अंदर जाके भी दहशत गर्दों के पीछे उनके हम, उनके पीछे जा सकते हैं हमला कर सकते हैं कोई भी इस मुल्क में जो भी थोड़ा सा समझता है यह सारा तारीख़ है इस खत्े की यानी खत्ते का मतलब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कबाली इलाके वो इस तरह की अहम अहमकाना स्टेटमेंट ना दे अगर उसे कुछ भी इल्म हो क्योंकि एक अफगानिस्तान की वो हुकूमत आई जब अमरीका वहाँ से गया अगस्त 2021 में तो याद रखें कि वो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा प्रो अफगान हुकूमत थी क्योंकि पाकिस्तान ने तालिबान और अफ़... और अमरीका के बीच में डायलॉग करवाया पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने जिसके सबसे ज़्यादा ताल्लुक थे और सबसे ज़्यादा जो वो जिन जिन जो करीब थे सारी दुनिया के बल्कि इर्द गिर्द भी हमसायों से वो पाकिस्तान था और उन्होंने हमारे साथ पूरी हिमायत का ऐलान किया कि वो जो उधर से अफगानिस्तान से दहशत दहशतगर्दी आ रही थी गनी हुकूमत के दौरान में जिसमें आई सी एल भी थी जिसमें टी टी पी भी थी जिसमें बी एल ए भी था इन्होंने हमारी पूरी उन्होंने फैसला किया हम आपकी पूरी तरह मदद करेंगे बदकस्मती से हमें इतना टाइम नहीं मिला हमारी हुकूमत चली गई और उसके बाद ये जो लोग आए ऊपर बैठे हुए इन्होंने सोचा ही नहीं इस तरफ टाइम ही नहीं दिया आज अगर बिलावल ये कह रहा है कि जी हम वहां अंदर अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के पीछे जा सकते हैं तो सबसे पहला तो सवाल इसका है कि ये कितनी दफा अफगानिस्तान गया है? सारी दुनिया के चक्कर मारे किसी फॉरेन मिनिस्टर ने इस मुल्क का इतना पैसा नहीं खर्च किया स... दुनिया के चक्कर मारने में और खास तौर पर अमरीका का किसी ने इतना पैसा नहीं खर्च किया एक दफा भी ये काबुल गया जबकि हमारा ढाई हजार किलोमीटर का बॉर्डर है और जबकि एक नई हुकूमत आई थी जो प्रो पाकिस्तान थी जो गनी हुकूमत थी वो प्रो इंडिया थी मैंने कॉन्फ्रेंसिस के अंदर इसको देखा जिस तरह ये हाथ बांध के खड़ा होता था नरेंद्र मोदी के सामने और मैं आखिरी कॉन्फ्रेंस जो ताशकंद में हुई थी जिधर हिंदुस्तान भी था और रिप्रेजेंटेड और इधर अफग़ानिस्तान भी था हालांकि मैंने पूरी कोशिश की इनसे अच्छे ताल्लुकात करने की मैं गया भी काबुल प्रेसिडेंट गनी से बातचीत करने के लिए उनको एहसास दिलवाने के लिए कि हम हम तो जो भी हुकूमत होगी अफ़गानिस्तान हमने उनसे अच्छे तल्लक रखने उसको पाकिस्तान भी बुलाया उसके बावजूद इसने सब के सामने खड़े होकर कहा कि पाकिस्तान ने दस हज़ार दस हज़ार अपने उसने वर्ड यूज़ किया था आ, आ, अपने हमने लोग भेजे हैं मिलिटेंट्स भेजे हैं जो मदद करें अफगानिस्तान के तालिबान की सबके सामने झूठ बोला उसने तो वो खुल के हमारे अगेंस्ट था उनका जो जो सिक्योरिटी एडवाइज़र था वो हर रोज़ पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट देता था कोई उधर से हमें मदद नहीं मिलती थी जब यहां कोई भी दहशत गर्दी होती थी तो ये जब हुकूमत चेंज हुई तो हम हमें तो उन्होंने पूरी कोऑपरेशन का कहा और हमें उस वक्त चाहिए था कि हम पूरा फायदा उठाते और जो भी हमारे मसले अफगानिस्तान के हम सॉर्ट आउट कर लेते और वो तैयार थे जब से ये हुकूमत आई है इनको टाइम ही नहीं मिला मैं फिर से कहता हूँ कि ये हर वक्त हर दूसरे दिन अमेरिका पहुंचा होता है बिलावर यह कितनी दफा काबुल गया हमें चाहिए था कि हम वो सारा एरिया जो हमें मसले बने हुए दहशत गर्दी को उसको खत्म करते ना इसके पास टाइम था क्योंकि और या फिर इसके जो मास्टर्स थे इसके आका थे उनसे इजाजत नहीं मिली ना ही इनको इजाजत मिली जो हमने रूस से सस्ता तेल बात करके आ गए थे सदर पुटिन ने हमें कह दिया था मीटिंग हो गई थी पाकिस्तान के एनर्जी मिनिस्टर और उनके एनर्जी मिनिस्टर की लेकिन उनके डर से अपने आकाओं के डर से ना ये रूस से तेल लिया हमने जबकि तेल की कीमत 110 डॉलर पर पहुंची हुई थी और हिंदुस्तान ने 40 फीसद कंसेशन के ऊपर रूस से तेल लिया जबकि वो अमरीका का एल है उनका उनकी स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप के अंदर है और ना ही इनसे उनके डर से ना ये वहां गया उसका आज ये नतीजा क्या है नतीजा ये है कि हमारे आज वो ताल्लुक हैं कि हम उधर पहुंच गए हैं कि हम अफगानिस्तान को अब ये जो हमला होता है हम उनके ऊपर डाल रहे हैं हमें कोई हमने सही माने में कोशिश की नहीं उस वक्त कि हम ये अब जो ट्रांजेक्शन है इसका फायदा उठाते हुए एक वो हुकूमत जो हमारे खिलाफ नहीं है हम उसका फायदा उठाते हुए अपने ही मसला हल कर देते और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये मसला हल हो सकता था अब इसका फॉल आउट क्या है फॉल आउट ये है कि मौलाना फजल रमान ने स्टेटमेंट दी फजल रमान कहता कि जी हमारी एजेंसी सोई हुई थी फजल रमान साहब जब हम इतनी देर से कह रहे हैं कि जो छः सौ छः सौ छत्तीस पख्तूनख्वा के अंदर दहशत गर्दी के वाक़ हुए हैं हम कहते जा रहे हैं कि एजेंसीज़ का टाइम बजाय इंटेलिजेंस असल में तो दहशतगर्दी इंटेलिजेंस एजेंसीज लड़ती हैं बजाय उधर टाइम दे रहे हैं कि वो तो सिर्फ तहरीकन साहब को ख़त्म करने की कोशिश में थे जो तहरीक साहब के घरों में रिश्तेदारों को उठाया जा रहा है उनको ट्रैक किया जा रहा है उनके फ़ोन कौन ट्रैक किए जा रहे हैं जियो फेंसिंग की जा रही है जिस तरह हम कोई गैर मुल्की हम या दुश्मन है और वो जो काम करने वाला था वो काम किया नहीं उससे बढ़ती जा रही है सारी दहशत गर्दी और तौर पर पखतूनख्वा की पुलिस के ऊपर स्पेशली जो पुलिस के ऊपर अब इस वक्त उनका शहादतें हो रही हैं अब इसका कौन जिम्मेदार होगा लेकिन इससे और भी आगे चले जो पख्तूनख्वा के लोगों के अंदर इस वक्त गुस्सा है पी टी एम क्यों बनी थी पी टी एम यह बनी थी कि जो सारी लड़ाई जो वॉर ऑन टेरर असल तो कबायली इलाके में हुआ उजड़ गया लोगों के घर तबाह हो गए जिकात देने वाले जिकात देने वाले हो गए वो सारे लोग नकल मकानी करनी पड़ी लोग अपने घरों से निकल गए घर जब वापस गया घर घरों में बचा कुछ नहीं था स्वाद के लोगों से मलाकंड के लोगों से भी यही हुआ वो जब सारे निकले वहाँ से बाहर जब तक वापस गए वो भी जिकात देने वाले जिकात लेने वाले बन गए तो सबको वो याद है बड़ी तकलीफें उन्होंने उठाई कुर्बानियों तो सारी इस इलाके ने दी सबसे ज्यादा जो एक तो ऑपरेशन में तालिबान और मिलिट्री के बीच में बेचारे वो पिस गए ऊपर से ड्रोन अटैक्स चार ड्रोन अटैक्स कर दिए ड्रोन अटैक्स का भी जो सारा जो जो बदला लिया जाता था वो पाकिस्तानी फौजियों के साथ और पुलिस के ऊपर दोनों तरफ पाकिस्तानियों को नुकसान हो रहा था जबकि हुक्मरान एक मुँह से आवाज़ नहीं निकलती थी क्योंकि अमरीकी ना नाराज़ हो जाए कि ड्रोन अटैक्स कभी हुआ ही नहीं है दुनिया में कि जिस मुल्क आपका जो जिसकी आप जिसके लिए जंग लड़ रहे हैं वो आप ही के ऊपर हमला करें तो मैं मुझे ख़तरा ये है कि अगर हमने इसके ऊपर जल्दी से काबू ना पाया और इसी तरह दहशतगर्दी बढ़ती गई तो वहाँ जो पख्तूनख्वा के लोगों के अंदर मैं गुस्सा देख रहा हूँ ये बढ़ता जाएगा और ये हमारी मुझे, मुझे मैं कोई डराना नहीं चाहता किसी को लेकिन अगर यही गुस्सा बढ़ता गया और ये उस तरफ़ चला गया जो गई जो दहशतगर्दी हो रही है और वो बढ़ती गई तो क्या पाकिस्तान आज कल के दौर में जब माशी तौर पे हम वैसे ही हमारा बदतरीन दौर है क्या हम ये दहशत गर्दी का मुकाबला कर लेंगे क्या ये अफोर्ड कर सकती है और क्या इस तरह का फॉरेन मिनिस्टर ऊपर बैठा सकते हैं जो इस तरह की पागलपन वाली स्टेटमेंट्स थे जिसका जो बजाय मसला हल करने के वो और मसला गंभीर करवा दे तो मैं एक तो मुझे आज इसके ऊपर ख़ास तौर पर मुझे ये खौफ सा आ रहा है कि हम ये ये चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाएंगी क्योंकि जो ऊपर बैठे हुए हुक्मरान उनकी सोच ही कुछ और है और सोच तो हमारे सामने आ गई है एक तो आज शहबाज शरीफ ने एक और इलेक्शन से भागने के लिए एक और सेंसस का शोशा छोड़ दिया भाई मुझे ये बताएं कि जब जब से आप आए हैं पंद्रह महीने पहले तो क्या तब आपको नहीं पता था कि इलेक्शन अक्टूबर के अंदर होने हैं नेशनल इलेक्शन आपकी टर्म ख़त्म होनी है तब आपको नहीं पता था कि ये जो सेंसस जो भी हमने करना उससे पहले करें ये एक और इलेक्शन भागने का इन्होंने रास्ता निकाल लिया दूसरा दोनों पखतनख्वा के अंदर और पंजाब में गैर आइनी हुकूमतें चल रही हैं केयर टेकर पहले तो वो केयर टेकर है ही नहीं केयर टेकर तो न्यूट्रल होती है वो तो इन्होंने अपनी ये एक नून लीग चला रही है पंजाब और दूसरा वो फजल और वह एन पी चला रही हैं पखतूनख्वा ये तो कैटकर के है ही नहीं और उन दोनों सूबों के लोग जो सत्तर फीसद पाकिस्तानी हैं वहाँ गैर आयनी लोग बैठे हुए हैं जिनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है अब ये कोशिश कर रहे हैं कि मजीद और ये ऊपर बैठे रहें और ये एक शोशा इसका और ये कि जनाब हम सेंसस करवाना चाहते हैं सिक्योरिटी का भी शोषण बना लेंगे पंजाब की चौदह मई की इलेक्शन उन्होंने इसलिए नहीं करवाई हमारे पास पैसे नहीं है जी पैसे एम एन एज को रिश्वत देने के लिए बहुत पैसे हैं लेकिन हमारे लिए पैसे नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए बीस अरब रुपया नहीं था और अब जो मुझे नज़र आ रहा है ये फिर कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरह इसे निकलें और लोगों को फिर ये जो रद्द अमल आना है उसके लिए ये तैयारी कर रहे हैं क्योंकि जाहिर है क्यों एक अगर आज लोग बेचारे इलेक्शन की इंतज़ार कर रहे हैं ना कि हमें जो जो इन्होंने लोगों का माशी कत्ल किया है यानी ऐसे माशी हालात आवाम के ऊपर तो आए नहीं है सारे जो माशी इंडिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान की तारीख के सबसे बुरे हैं बेरोज़गारी ले लो इंडस्ट्री बंद हो रही है ग्रोथ रेट जब नीचे आती है मतलब जब आपकी दौलत में इजाफा जो छः एक फ़ीसद से अब जो ज़ीरो पे आई है तो इसका मतलब बेरोज़गारी तो बढ़नी है दौलत काम हो रही है मुल्क की और उसके अलावा महंगाई जिस सतह पर पहुंच गई है तो लोगों के हालात तो सबको पता है अब लोग इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं इन्होंने अब क्या किया है अब दो कानून लेके आ रहे हैं एक है सीक्रेसी एक्ट और दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ एक्सट्रीम वायलेंस वो प्र... एक में ही क्या कर रहे हैं कि आप इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि किसी मसन मसन मेरे ऊपर एक एक फौज के अदारे में इंटेलिजेंस के अदारे में एक आदमी मेरे ऊपर कत्ल करने की कोशिश करता है जो मुझे पता है उसने किया मैंने अगर उसका नाम ले लिया तो वैसे अभी इन्होंने मेरे ऊपर गद्दारी का केस कर दिया है कि यानी मेरी जरूरत कैसे पड़ गई कि मैंने उसका नाम ले लिया एफआईआर के अंदर वो एफआईआर भी नहीं हुई तो मैं गद्दार बन गया हूं अब ये एक तो वो करने जा रहे हैं दूसरा सीक्रेसी एक्ट में आ, कि जनाब ये किसी के घर में भी घुस जाएंगे इंटेलिजेंस एजेंसी हमारे घरों में तो घुस ही रहे हैं मेरे घर के ऊपर हमला हुआ दरवाजा तोड़ के चालीस लोग अंदर आ गए घर में जो चीजें पड़ी लूटी लोगों को मारा धाड़ा उठा के ले गए खनसामे को वो जो माली था दो तीन वर्कर्स सबको उठा के ले गए तो वो तो हो ही रहा है हमारे घरों पे अब ये फैसला किया कि किसी के घर में भी ये जा सकते हैं कि किसी के घर में भी जाएंगे कहें जी हम सर्च वारंट के बगैर अंदर घुसेंगे कोई चीज भी उठा लेंगे मेरे घर जब आए थे तो असलाह छोड़ के चले गए कहीं जी असलाह में लाया हमें यहां से और वो सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं कि लेके जा रहे हैं अपनी कमीजों के नीचे असलाह और वहां ऊपर छोड़ के चले गए और अब यह कुछ भी कर सकते हैं तो ये तो किसी के घर में घुस के तोड़ के चीजें अच्छा लूटते हैं चीजें चोरी करके ले जाते हैं तो आप तो इसको कानून बनाना चाहते हैं कि कहीं भी जा सकते हैं तो ये जो जिस तरफ आप ये लेके जा रहे हैं मुल्क को तो ये तो सीधी कह के कि जी आप हमारे गुलाम हैं हम आए ऊपर आपके आपके ऊपर बैठने आए आप हमारे गुलाम हैं हम एक आजाद मुल्क आज़ादी तो वैसे ही ख़त्म करते जा रहे हैं तो अब तो ये अंग्रेजों से भी ज्यादा बदतरीन गुलमी है क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में फिर भी आप चौबीस घंटे में किसी को अदालत में पेश करते थे जब अगर आपने किसी को उठाया है यहां तो लोग गायब हो जाते हैं इमरान रियाज अभी तक गायब है उसको कोई अस्सी दिन हो गए हैं किसी को पकड़ सकते हैं हमारे कई लोगों को उठाया हुआ है कोई वारंट नहीं होती कई लोगों को अंदर बंद किया हुआ है उनकी अभी तक एफ आई आर नहीं की उनके ऊपर तो यहां तो कोई कानून ही नहीं है तो ये अब एक गुलामी की तरफ हमें लेके जा रहे हैं मुकम्मल तौर पे कि हम आप इनके गुलाम बन जाएं जो मुँह खोले असल में ये एक आज़ादी के खिलाफ आप ये कानून बना रहे हैं कि आप एक, आ, कानूनी तौर पे हमें गुलाम बना लें कि हमारी कोई आवाज़ ना हो हम कहीं ना जा सकें तो मैं इस पे आखिर में सिर्फ अपनी कौम को याद कहना चाहता था देखें मुहर्रम का महीना है मुहर्रम में हम हमें क्या सबक मिलता है हमें मोहरम में एक ही सबक मिलता है कि राय हक़ के लिए जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने के लिए अगर जालिम के सामने खड़े होते हुए आपकी जान भी चली जाए तो उसकी परवाह नहीं होनी चाहिए आपको आपको कुर्बानी देनी चाहिए अपनी आज़ादी के लिए आज़ादी राय के लिए आपको अपने हकूक़ के लिए इंसाफ के लिए क्योंकि जब तक एक कौम आज़ाद नहीं होती दुनिया की तारीख में उसका कोई मुकाम नहीं होता वो मैं बार बार आपको मौलाना रूमी का वो वो जो उनकी एक कहात है कि जब अल्लाह ने आपको पढ़ दिए तो क्यों चूटियों की तरह ज़मीन पर रींग रहे हो ग़ुलाम ज़मीन पर रीगते हैं उनकी कोई हैसियत नहीं होती पच्चीस करोड़ की आबादी है आज मुझे बताया हमारी क्या हैसियत रह गई है। वो जाके बिलावल भुटो कितनी दफा अमेरिका गया है पता नहीं कितने हमारे डॉलर खर्च किए उसने वहां और जब नरेंद्र मोदी वहां गया तो उसको ऐसा उन्होंने जिस तरह का इस्तकबाल दिया और उसके बाद बायलैटरल टॉक थी उन दोनों के बीच में अमेरिका और इंडिया पाकिस्तान को उन्होंने दहशत गर्द बना दिया कि जी दहशत धमकी दी कि दहशतगर्दी बंद करो ये हैसियत रह गई है हिंदुस्तान जाता है बिलावल भुटो जो उनका फॉरेन मिनिस्टर्स को जलील करता है मैंने कभी किसी कॉन्फ्रेंस में एक होस्ट मुख जो होस्ट कर रहा है मैंने कभी नहीं देखा इस तरह की जिल्लत तो क्या हैसियत रह गई है कि ये हमारी हैसियत है क्योंकि ग़ुलामों की क्या हैसियत है तो मैं आज आप सबको ये आज पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने राय हक के लिए एक जालिम के सामने अपनी कुर्बानी देने के लिए वो तैयार हो गए लेकिन जुल्म के सामने झुकने से उन्होंने मना किया उन्होंने कहा मैं इससे बेहतर है और मैं कहता हूँ कि ग़ुलामी से बेहतर है मौत और सदियों तक हर वक्त जब मुसलमान जुल्म के सामने खड़ा होता था तो उनको याद आता था कि हमारे नबी अलैहि वसल्लम के नवासे ने ज़ालम के सामने सर नहीं झुकाया सर कटवा लिया ये मैं आपको एक जो बरतानिया की तारीख है उसमें से एक वाक़ा बता दूँ बरतानिया का एक, 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 एक हेनरी उसका नाम था जो उनका बादशाह था उसके बड़ी करीब दोस्ती थी एक ना एक, एक जज था साइमल सैम्यूल बेकेट बेकेट वो जो जज था उसको वह बना देता है चीफ जज चीफ जस्टिस बना देता है एक केस चाहता है कि बादशाह के ये तुम मेरे लिए फैसला करो उसका अपना दोस्त जो उनका जो चीफ जस्टिस होता है वो खड़ा हो जाता है कहता है नहीं ये ना इंसाफी है वो उसको धमकियां देता है डराता है धमकाता है दोस्ती जताता है साइमल सेब्यूल बैकेट कहता है मैं ना इंसाफी नहीं कर सकता आखिर में उसको फांसी दलवा देता है वो पीछे नहीं हटता मरने के लिए तैयार हो जाता बरतानिया के जज सारा जस्टिस सिस्टम याद रखता है उस आदमी को सदियों तक जब भी जज खड़ा होता था तो उसके भी जहन में आता था कि सैमुअल बैकेट था पाकिस्तान में जजेस देखे हमारे जजेस जस्टिस कॉर्नीलियस कौ मुसलमान तो नहीं थे सब जुडिशरी उनको याद करती है रिस्पेक्ट करती है सबको पता था कि इंसाफ के लिए खड़े होते आज भी वही दिन है हमारे जजेस के बीच में नजर आ रहा है कि एक दो जजेस खड़े हो गए हैं इस जुल्म के निजाम पे धमकियों के बावजूद वो खड़े हो गए कि लोगों के इंसानी इनसा, हकूक के लिए और वो लोग याद रख कर रहे हैं उनको घरों में उनकी बात हो रही है मैं आज अपनी जुडिशरी को कहना चाहता हूं कि ये मुल्क को बिल्कुल गुलामी से बचाने के लिए आप रोक सकते हैं हम तो खड़े हैं मैं तो आपको ये वाजे कर दूं कि मैं जब तक जिंदा हूँ मैंने तो इसे कबूल नहीं करना कभी इस जुल्म को ना इस गुलामी को लेकिन मैं अपनी जुडिशी से कहता हूं कि ये वक्त है आप में से वो लोग हैं जो एक वक्त याद रखेंगे जो नाम हो गए कि जी वो देखें वो आदमी जब ये मुल्क को गुलामी की तरफ लेके जा रहे थे मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ लेके जा रहे थे कि जिन लोगों के घरों में घुस के औरतों को बच्चों को बच्चों को उठा के ले जाते हैं घर लूट लेते हैं रिश्तेदारों को कलेक्टिव पनिशमेंट कलेक्टिव पनिशमेंट सिर्फ इसराइल देता है फलस्तीनों के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में कश्मीरों के खिलाफ देते हैं एफ सी आर जो थी जब अंग्रेज हुक्मरान था वो देता था कबायली इलाके के लोगों को कलेक्टिव पनिशमेंट कि एक एक फर्द अगर नहीं है तो उसके रिश्तेदार पकड़ के ले जा जाते थे लेकिन आजाद माशरों में कोई कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं होती और ये हमारे यहां खुलेआम हो रही है बच्चों को उठा के ले जाते हैं रिश्तेदारों को ले जाते हैं तो मैं अपनी जुडिशरी को कहता हूं कि देखें यह सारी कॉम आपकी तरफ देख रही है जो जो आप में से स्टैंड लेता जाता है इंसाफ के लिए खड़ा होता है लोगों की आजादी के लिए लोग उसको हमेशा याद रखेंगे लेकिन उनको भी देख रहे हैं जो वो कहते हैं ना वो तिफल क्या करेगा जो घुटनों के बाद चले जो पहले से गिरे हुए हैं ताकत के सामने सर झुका के बैठे हुए हैं उनको भी उन जजेस को भी लोग देख रहे हैं उन सहाफियों को लोग देख रहे हैं अरशद शरीफ हमेशा याद रहेगा इस इस कौम को कि उसने बजाय ये कि अपने जमीर का सौदा करे वो मुल्क छोड़ के चला गया और वहां उसको शहीद किया गया चार आज हमारे बड़े बड़े सहाफ़ी मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं बजाय ये कि वो अपने जमीर का सौदा करें और यहां ऐसे लोग हैं जिनको इन्होंने जेलों में डाला है गुलाम हुसैन और यह मकबूल जान समी इब्राहिम एयाज अमीर ये लोग इनको याद रखेंगे कि इन्होंने जमीर का सौदा नहीं किया ये खड़े हुए राय हक पे लिए और यही होता है फर्क इंसानों में ये है सारे अल्लाह के नबी इंसाफ के लिए स्टैंड लिए उन्होंने मुश्किलें बर्दाश्त की हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मुश्किलें बर्दाश्त की उन्होंने मक्का में जब उनकी आज़ादी राय ली गए कि एक खुदा है कितनों ने कितनी मुश्किलें उन्होंने, उन्होंने उठाई लेकिन हम हमेशा उनको और हमें अल्लाह कहता है उनके रास्ते पे चलो और हम यहाँ जुल्म के सामने घुटने टेक के बैठे हुए हैं और देख रहे हैं तमाशा कि सारा मुल्क का ऊपर गंद ऊपर बैठा दिया और हमें कह रहे हैं कि जी अगर आप मुंह खोलेंगे तो आपके घर तोड़ देंगे आपको जेलों में डाल देंगे आपको मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई करेंगे और हम डर के हमें डरा डरा के जनाब के भेड़ बकरियों की तरह हमें रखना चाहते हैं ये है वक्त स्टैंड लेने का और मैं सबसे ज़्यादा आखिर में अपनी पार्टी का कि मेरी पार्टी का ये मुश्किल वक्त जो आया एक तरह मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि मुझे पहली दफ़ा नज़र आया अपने लोगों का कि कौन कितने पानी में था किसका कितना नज़रिया था कौन ऑपरचुनिस्ट थे और जिनको मैं बिल्कुल नहीं समझ रहा था कि वो ऐसे स्टैंड लेने के काबिल हैं खड़े हो गए वो मुश्किल वक्त के सामने खड़े हो गए मेरी नहीं वो नेचुरल लीडर्स बन रहे हैं आप और इन पार्टी में मैं इलेक्शन करवाऊंगा पहले मौके पे नेशनल लीडरशिप नेशनल नेचुरल हमारी पोलिटिकल लीडरशिप निकलेगी और ये होगी इनशाला वो असल तहरीक इंसाफ़ जो इस मुल्क के अंदर जो सत्ताईस साल पहले मैं निकला था इंसाफ़ का अदल और इंसाफ़ इस मुल्क में सबसे पहले कायम करेंगे फिर ये मुल्क खुशहाल होगा वो इनशाला वो लीडरशिप निकल रही है पाकिस्तान जिंदाबाद